सीएम योगी बच्चों से मुलाकात किया दुला। गोरखपुर में मंच से बोले योगी आदित्यनाथ, यूपी की जनता ने चुनी राष्ट्रवादी सरकार, पिछले 10 दिनों से प्रदेश में होली का त्योहार। गोरखपुर में निकाले गए भगवान नरसिंह की यात्रा, सीएम योगी यात्रा में हुए शामिल, भगवान नरसिंह की सीएम योगी ने की पूजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली होली, नरसिंह यात्रा में लोगों पर उड़ाए गुलाल, यात्रा में हजारों की भीड़। बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से मिली जीत, जनता ने सुशासन की सरकार को चुना, विकास पर किया भरोसा। गोरखपुर की जीत पर बोले योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में सभी सीटों पर बीजेपी जीती, जनता के मन में अपार खुशी। गोरखपुर में कोरोना महामारी को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ, महामारी अपने साथ भुखमरी लाती है, पहली बार फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी, 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। योगी सरकार 2.0 शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आयोजित होगा, समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोरों से जारी। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी के साथ अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ, मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह समेत तमाम दिग्गज होंगे शपथ समारोह में शामिल, विपक्ष के नेताओं को भी भेजा गया न्योता। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री होंगे शामिल, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी न्योता। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में 1000 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार, समारोह में विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया न्योता। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले ओम प्रकाश राजभर, सपा के साथ है, गठबंधन जारी रहेगा, बीजेपी गठबंधन में जाने की खबरों को किया खारिज। अमित शाह से मिलने की खबर को ओम प्रकाश राजभर ने बताया अफवाह, कहा मैं पिछले 10 दिनों से लखनऊ से बाहर नहीं गया, समाज का हित होगा तो अमित शाह से मिलूंगा। फेसबुक पोस्ट के जरिए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एनडीए में वापसी की खबरों को किया खारिज, कहा बीजेपी के साथ जाने की खबर निराधार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले बीजेपी विधायक असीम अरुण, पार्टी जो टास्क देगी जनता के हित में पूरा करूंगा, टीआरपी में नंबर 1 आने पर जी यूपी यूके को दी बधाई। 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जापान के प्रधानमंत्री फुर्मियो किशिदा, पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और संबंध मजबूती पर करेंगे चर्चा। किस मार्च को लखनऊ आएंगे अमित शाह, शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह का यूपी दौरा, पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ आएंगे शाह और झारखंड के सीएम रघुवर दास। बीजेपी ने 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, गोरखपुर महराजगंज से सीपी सिंह को टिकट, 6 उम्मीदवारों के नाम आना बाकी। 20 मार्च को गोरखपुर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे भागवत, स्वयं सेवकों के साथ बैठक करेंगे मोहन भागवत। यूपी के जालौन में शराब के नशे में धुत दबंगों ने सिपाही के साथ की मारपीट, सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, मारपीट में 6 लोगों को आई गंभीर चोट, सभी घायल बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं। यूपी के अमेठी में रंग लगाने के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत, 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या, 7 लोग जख्मी। उन्नाव में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा जिसने विरोध किया वो घर में रहकर 5 साल विरोध करे, उचित दूरी बनाए, मेरे पास ना आए। मेरठ में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा, मलबे के नीचे दबकर 2 साल की मासूम बच्ची की मौत, परिवार के कई सदस्य घायल। जालौन में शराब के नशे में दबंगों ने सिपाही के साथ की मारपीट, मारपीट के दौरान सिपाही के कपड़े फटे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या, पिता की तहरीर पर पड़ोस के 3 पिता पुत्रों पर मुकदमा दर्ज, शाहबाद थाना क्षेत्र की घटना।
मेरठ में प्रेम प्रसंग में युवक की मौत, प्रेमिका के घर के सामने युवक ने खुद को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में होली की खुशियां मातम में बदली, बाइक सवार दो युवकों की सड़क हादसे में मौत। खटीमा में होलिका जलाने की जमीन को लेकर विवाद, मामला शांत कराने पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव, कई पुलिस वाले घायल। मुजफ्फरनगर के युवक ने अवैध हथियार से की फायरिंग, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तमंचा लहराकर युवक कर रहा था फायरिंग। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर की पोस्ट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, पुलवामा अटैक को लेकर भी की थी टिप्पणी। मेरठ में अभिनेत्री अर्चना गौतम ने अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ होली खेली, आरएएफ कैंप में अर्चना गौतम जवानों को मिठाइयां भी खिलाती नजर आई। रायबरेली में होली खेलने के दौरान मजाक में युवक की जान चली गई, घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अमरोहा में होली के त्योहार पर डीजे पर डांस, डीजे पर बजे योगी के गाने, डीजे पर हुआ विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में दो युवकों की हत्या, पुरानी रंजिश में दो युवकों की हत्या। कौशाम्बी में शब ए बारात पर्व एहतराम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, अपने घरों को मोमबत्ती और इलेक्ट्रॉनिक झालरों से लोगों ने रोशन किया। फिरोजाबाद में होली पर दो अलग अलग जगहों पर जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग में एक की मौत, दो घायल। जालौन में पुलिस ने तीन शातिर वाहन चालकों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से तीन मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद। सहारनपुर में मामले कहा सुनी के बाद दो पक्षों में बढ़ा विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, एक युवक की मौत, पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बरेली में रंग खेलकर जा रहे हरियारों को दूसरे समुदाय के लोगों ने पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कौशाम्बी में पेट्रोल पंप पर डकैती, पेट्रोल पंप मालिक ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में सियासी रंजिश में हत्या की वारदात, गोली मारकर चाचा भतीजे की हत्या, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस बता रही है बच्चों का विवाह। संभल में मामले कहा सुनने के बाद बढ़ा विवाद, एक शख्स ने साथी युवक के सिर पर ईंट से किया हमला, युवक की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम, 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। उत्तरकाशी में गंगा भागीरथी नदी में डूबा 23 साल का युवक, नदी में नहाने गया था युवक, पैर फिसलने से भंवर में फंसा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया हरिद्वार का दौरा, शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं को किया संबोधित। जीत प्रदेश उत्तराखंड से बोले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, जनता के जनमत के अनुसार विपक्ष में बैठेंगे, जनता से जुड़े सवालों को सरकार के सामने उठाते रहने की कही बात। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर किया ट्वीट, लिखा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हम मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट के 10 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, एक महिला समेत 10 विधायक बने मंत्री, कैबिनेट की पहली बैठक हुई खत्म। पंजाब राजभवन में हुआ कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, परेड के लिए सलामी। गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा सुरक्षा बलों ने पाया आतंकवाद पर काबू। सोनिया गांधी से करीब 75 मिनट तक हुई गुलाम नबी आजाद की मुलाकात, बैठक के बाद आजाद ने कहा संगठन मजबूत करने के लिए दिए सुझाव। सोनिया गांधी से मिलकर बोले गुलाम नबी आजाद, बोले पद छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, नेतृत्व पर नहीं उठाया सवाल। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा वास्तविकता से दूर है फिल्म।
कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के बढ़ाए गए सुरक्षा, विवेक अग्निहोत्री को मिली बाय कैटेगरी सिक्योरिटी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से निशाने पर हैं विवेक अग्निहोत्री। दो दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, पीएम मोदी के साथ करेंगी बैठक। 14वें सालाना भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जापान के पीएम, द्विपक्षीय सहयोग और संबंध मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। मुश्किल हालातों में मोर्चे पर डटी है यूक्रेन की सेना, यूक्रेनी जवानों ने वायलिन की धुन पर बजाया राष्ट्रगान। यूक्रेन के क्राम टोरस्क में रूस का मिसाइल अटैक, हाई राइज बिल्डिंग को बनाया गया निशाना, हमले में कई लोगों की मौत की खबर। खार्किव में रूसी सेना का जोरदार हमला, हमले के बाद चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। रूस के हवाई हमले में खार्किव में भारी तबाही, मलबे में तब्दील हुआ सुपर बाजार, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने किया बड़ा ऐलान, डोनबास के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को ठीक कर सकती है, नहीं तो रूस की कई पीढ़ियां उभर नहीं पाएंगी। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, रूस ने की यूएनएससी से आपातकालीन बैठक की मांग, यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब पर करना चाहता है चर्चा। जैविक हथियार लैब के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक में भिड़े रूस अमेरिका, रूस के सबूतों से अमेरिका का इनकार, भारत ने की दुश्मनी खत्म करने की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने के बाइडेन के फैसले पर रूस अमेरिका से तनातनी, रूस ने फिर कहा बाइडेन का बयान अस्वीकार्य और असक्षम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत, चीन ने कहा यूक्रेन मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन पर अमेरिका की चीन को चेतावनी, रूस का साथ दिया तो भुगतना होगा अंजाम, अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता का दिया सुझाव। रूस ने यूक्रेन के शहर पर बढ़ाए हमले, पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली, भीड़ में गूंजा मेड इन यूएसएसआर गीत। क्रेमलिन के प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा बाइडेन का पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना गलत, बाइडेन के बयान को माफ नहीं किया जा सकता। यूएनएससी में अमेरिका का बयान, कहा रूस को मानवीय संकट को लेकर होती फिक्र तो वो युद्ध रोक चुका होता। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने रूस के वित्त मंत्रालय पर लगाया प्रतिबंध, 11 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के युद्ध अपराध वाले बयान का किया समर्थन, कहा यूक्रेन में हुआ है युद्ध अपराध। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, जर्मनी से लगातार सैन्य सहायता की मांग कर रहा यूक्रेन, जेलेंस्की के मुताबिक रूस को रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाना काफी नहीं। युद्ध में नागरिकों की मौत पर यूएन ने जाहिर की चिंता, कहा मरने वालों की वास्तविक संख्या है काफी ज्यादा। यूएनएससी में भारत ने जाहिर की चिंता, कहा बातचीत से ही खत्म हो सकता है तनाव, यूक्रेन की मानवीय सहायता करता रहेगा भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मांगी मदद। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर लगातार लगा रहे हैं गश्त, तो हेलीकॉप्टर में बैठे रूसी सैनिक इलाके पर रख रहे हैं नजर। मेलिटोपोल के मेयर ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों का किया शुक्रिया, बोले हमने लड़ी देश के हक की लड़ाई। यूक्रेन की सेना के खिलाफ अलगाववादियों की बड़ी कार्रवाई, लुहानसक ने रूस समर्थित इलाकों से खदेड़ा।
युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी। मारियोपोल शहर में फंसे लोगों को बसों की मदद से निकाला जा रहा है बाहर। भारी बमबारी के बीच मारियोपोल छोड़कर जा रहे यूक्रेनी नागरिक, वीडियो में दिख रहा पलायन। नगर परिषद के मुताबिक मारियोपोल से 30,000 लोग कर चुके हैं पलायन। यूक्रेन का समर्थन करने पर रूस की फूड ब्लॉगर को जेल, रूस की सरकार ने की कार्रवाई। अब ब्रिटेन में नहीं दिखेगा रूस का टीवी न्यूज चैनल रशिया टुडे। ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर ने आरटी न्यूज का किया लाइसेंस रद्द। यूक्रेन के सुमी इलाके में कीचड़ में फंसे रूसी टैंक निकालने की कवायद जारी। पहले भी यूक्रेन की सड़कों पर फंस चुके हैं रूसी टैंक। इलाके में कब्जे के बाद रूसी सेना मारियोपोल से लोगों को निकाल रही है। जल्द ही खाली करा लिया जाएगा पूरा शहर। कीव क्षेत्र में यूक्रेनी हथियारों और सेना को निशाना बना रही है रूसी सेना। हर हाल में कीव के चप्पे चप्पे पर कब्जा करना चाहते हैं। सेना के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने के लिए रूस की हवाई सेना ने संभाला मोर्चा। कीव की खतरनाक सड़कों पर यूक्रेनी उग्र समूहों से निपटने की जिम्मेदारी। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हवाई हमले में एक ही परिवार के 5 की मौत। यूक्रेन ने रूस की एयर स्ट्राइक को बताया युद्ध अपराध। यूक्रेन के कीव में हुए मिसाइल हमले में करीब 6 लोगों की मौत। मिसाइल हमले में धराशायी हुई पूरी इमारत। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन में रूस अलग तरीके से कर रहा हमला। अपने बेड़े के नाइट हंटर और एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स को एंटी गाइडेड मिसाइल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन पर बम बारूद और मिसाइलों की बारिश जारी। रूसी सेना ने खार्किव मार्केट पर रॉकेट से किए हमले। पूरा का पूरा मार्केट खाक। रूसी हमले में खेरसोन एयरपोर्ट में भारी तबाही। रूसी आर्मी के हमले में खेरसोन एयरपोर्ट बर्बाद। रॉकेट और मिसाइल से हमले। युद्ध के बीच नाटो की मौजूदगी बढ़ाने के लिए फ्रांस का बड़ा कदम। एस्टोनिया में उतारी सेना की टुकड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत। रूस के युद्ध अपराध, यूक्रेन में शांति स्थापित करने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा।